कोई फुटपाथ पर पैदा हो रहा है, कोई राजा के घर में पैदा हो रहा है, कोई पैदा होते ही तमाम बीमारियां लेकर आ रहा है, तो कोई मरते दम तक स्वस्थ ही जा रहा है। कोई साधु के घर में, कोई डाकू के घर में, कोई दे रहा है, कोई छीन रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। क्या है ये सब? कोई कोस रहा है, यही ये ऐसी ही संतान क्यों दी मुझे प्रभु? सब कर्मों की माया, ये ही मिलना था, यही संतान क्यों, यही पड़ोसी क्यों, यही पत्नी क्यों, यही पति क्यों? सोचो दुनिया में कितने लोग हैं, पर किसको किससे जुड़ना है, किसको किसका होना है, किसको किसके घर जन्म लेना है, किसको कहाँ पैदा होना है और किसको कहाँ मरना है, ये सब विधाता की नियति है। कहाँ जन्मते हैं, कहाँ मरते हैं, कोई पता नहीं। कहाँ पैदा हुए, कहाँ कर्म क्षेत्र बना, कहाँ मृत्यु, किस किस से इस बीच में मिलते हैं, कितने जुड़ते हैं, कितने छूटते चले जाते हैं, कितनों का चेहरा देखा और फिर वही चेहरा एक दिन दिखाई नहीं देता। क्या नियति है विधाता की, जरा चिंतन तो करो। इसलिए कर्म सबसे पहले है। सारे शास्त्रों ने कर्म पर जोर दिया है, कर्म ठीक करो। और समस्त शास्त्रों का एक तरह से जिसे हम सार कह लेंगे, वो तो साक्षात भगवान की वाणी ही हो सकती है। और भगवान की वाणी भी स्वयं यही कह रही है, गीता जी के दूसरे अध्याय में यही कहा जा रहा है। साक्षात श्री कृष्ण यही कह रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म ठीक करो, बाकी चिंता मत करो। हम कर्म ठीक नहीं करते, बाकी सबकी चिंता करते हैं। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना व्यापार बढ़ेगा, कितनी संपत्ति आएगी, कितना क्या होगा, सबका गणित लगा लेते हैं, बस कर्म ठीक और व्यवस्थित नहीं कर पाते। और भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म ठीक करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फल की बिल्कुल इच्छा छोड़ ही दो, वो छोड़ दो, क्योंकि वो मेरा डिपार्टमेंट, वो मेरा विभाग है, तो मेरे विभाग में घुसने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अपने विभाग की चिंता करो ना, अपने हिस्से के कार्य को ठीक ठीक संभाल लो, बाकी चिंता छोड़ दो। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे। ये नियति, ये प्रकृति, यही विधि। इसलिए कर्म का बहुत प्रधानता हर जगह दी है।